मेरे पिताजी ने ना हमें बचपन से झूठ बोला था कि उनके कान का पर्दा फट जाएगा अगर वो फ्लाइट में बैठे मेरी माँ ने अब एक नई चीज कर ली कि जब भी कहीं जाऊंगा तो साड़ी लेके आऊंगा अच्छी डिनर टेबल एक पूरा अरेंज करा के मैंने कहा खाना मैं पे बैठते ही ने पहली लाइन बोली कि बेटा शादी कब मैं मम्मी मैं जा रहा हूँ कमरे में ठीक है लॉजिक तो है ना शादी के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है कोर टीम का और दूसरा और परमानेंट सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली का फैमिली की रिएक्शन क्या होती है अभी अनमोह सिंह बस्सी इतना कामयाब पूरे देश दुनिया में नाम हो रहा है

फिर तो सबके लिए लाता हूँ ना जब माँ के लिए मंगानी है तो फिर सबके लिए लेके आता हूँ कि अब सब लोग ले जनरली दीदी ज्यादा साड़ी पहनती नहीं है और माँ के पास इतने ओकेजन नहीं है जितनी साड़ी उन्होंने ले ली है वो कहीं जाना नहीं है उनको बस उन्होंने साड़ी इकट्ठी कर लिया तो अब क्या हो रहा है कि वो बस इकट्ठी करके अपनी बहनों को मेरी मासियों को मामी को बस दिखाती है कि ये मेरे पे हैं तो वो आपस में खेलते रहते हैं जो भी उन्हें करना है वो भुवनेश्वर गए थे मेरे साथ फिर मुझे उन्होंने सुबह छह बजे उठा दिया कि कहीं चलो दर्शन करने में नहीं ऐसा है जाओ अपने आप ठीक है Yeah. मैं नहीं जा रहा कहीं भी मैं तो आया हूँ शो करने तो मैं उनके साथ गया भी थोड़ी दूर तक तो, फिर बारिश वारिश होगी कुछ तो फिर वो लोग चले गए मैं अपना वापस होटल चला गया तो दो दिन रहे वो मेरे साथ एक रात को मैंने उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कराया ताज में थे हम कहीं तो पता नहीं मुझे याद नहीं एक्जैक्टली कौन सा होटल था तो मैंने उन्हें अच्छे से एक अच्छी डिनर टेबल एक पूरा सा अरेंज करा के मैंने कहा माँ खाना खाऊँ वहाँ पे बैठते ही माँ ने पहली लाइन बोली कि बेटा शादी कब करने मैं कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में ठीक है तो आपको मोमेंट ही नहीं पता कब बोलना होता है ये सब मुझे नहीं करनी तो अब ये कोई बात है करने की इस टाइम पे मैं आपको घुमाने लाया था ना फिर तो वो वहां से फिर बस उसके बाद थोड़ी देर बात बात करी फिर मैं, मैंने वो कर दिया बाकी दो दिन वो लोग घूमे उन्हें बहुत अच्छा लगा फिर उन्होंने एक मैंने उनसे बोला उन्होंने एक रूल बनाया कि अब हम एटलीस्ट तीन महीने में एक बार कहीं घूमने चलेंगे मैं एक और बताया था मेरे पिताजी ने ना हमें बचपन से झूठ बोला हुआ था कि उनके कान का पर्दा फट जाएगा अगर वो फ्लाइट में बैठे और ये झूठ था कुछ नहीं होता उनको उन्हें बस कहीं जाना नहीं था

समाज की रिश्तेदार बस नहीं बेटा हम फारिक हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से अरे हो गए आप <laughs> चिल करो आप मैं मैंने कर लिया जो करना था तो अब आप चिलो फारिक हो और कुछ भी लॉजिक नहीं है क्या करेंगे उन्हें को मतलब थोड़ा ना मेरी शादी से